भारतीय जनता पार्टी के हालिया सांसद गोरखपुर से रवि किशन चर्चाओं का विषय रहते हैं। कई बार योगी आदित्यनाथ ही खुले मन से उनकी चुटकी लेते नजर आते हैं तो सब काफी ठाकेला के हंसते भी हैं। रवि किशन इस बात का बुरा नहीं मानते, लेकिन अब समाजवादी पार्टी कैंडिडेट काजल निषाद इसी को बड़ा मुद्दा बनाते हुए रवि किशन के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं चुनावी एजेंडे के तौर पर। जी हाँ, देखा जाए तो काजल निषाद रवि किशन को बुरी तरीके से घेर रही है, उनके गाए कुछ गानों की वजह से, उनके कुछ कामों की वजह से और उनके कुछ फैसलों की वजह से। रवि किशन को हराने के लिए काजल निषाद शाम दाम दंड भेद सारी रणनीति अपनाएगी, क्योंकि काजल निषाद अगर इस बार भी चुनाव हारती हैं तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई भी पार्टी उनको टिकट देने से पहले 10 बार सोचती नजर आए। देखा जाए तो काजल निषाद 3 बार अब तक हार चुकी है। पहले कांग्रेस से उनको टिकट मिला था विधानसभा में, वह हार गई। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इन्हें टिकट दिया, फिर वह हार गई विधानसभा में। फिर गोरखपुर से इनको मेयर चुनाव में उतारा गया, वहां पर भी हार गई। लेकिन इस बार जब हारी थी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के खिलाफ ही कई गंभीर आरोप लगाए थे कि चुनावों में कुछ कारणों की वजह से उनकी हार हुई है। वो काफी रोती बिलखती भी नजर आई थी। लेकिन इस बार गोरखपुर सीट के समीकरण को ध्यान में रखा जाए तो काजल निषाद के खिलाफ गोरखपुर में संजय निषाद को भी आगे करके भाजपा उन्हें रोकने की कोशिश करेगी प्रचार प्रसार के वक्त। और रवि किशन की अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो पिछले चुनाव में अच्छे खासे लाखों मतों से उनकी जीत हुई थी, तो ऐसे में काजल निषाद और रवि किशन के बीच कुछ समानता भी है। जैसे दोनों ही देखा जाए तो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, यानी कि दोनों ही कला के क्षेत्र से आते हैं, दोनों ही जनता के बीच अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो टेलीविजन जगत में काफी नाम कमाए थे। खासकर रवि किशन की बात करें, उनकी भोजपुरी और बॉलीवुड इंडस्ट्री दोनों में ही, जबकि लापता गंज नाम का एक सीरियल आता है जिसमें काजल निषाद काम किया करती थी और कुछ और भोजपुरी सीरियल में उन्होंने काम किया था। तो काजल निषाद भी कहीं ना कहीं माहिर खिलाड़ी के तौर पर हो चुकी है, कह सकते हैं घायल शेरनी है। 3 बार हार चुकी है, 4थी बार ना हारे इस बात का ध्यान वो रखेंगी, लेकिन रवि किशन को कैसे रोकेंगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। ये बात साफ है कि अब रवि किशन वर्सेस काजल निषाद ही होगा। लंबे समय से चर्चा थी कि काजल निषाद को इसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और वह चर्चा सही भी साबित हुई। अब देखते हैं कि इन सीटों के समीकरण को ध्यान में रखते हुए आगे क्या रणनीति रवि किशन के खिलाफ काजल निषाद बनाती हैं, जिससे वे योगी आदित्यनाथ के गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर में रवि किशन को हरा सकें। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।